इस मोबाइल की मेमोरी फुल हो रही है, क्या करूं मैं, बताएं मैं कैसे व्लॉग बनाऊं, मेमोरी फुल है। और अभी तो मतलब आने का ही ट्रिप बना है, अभी वापसी के तो कोई व्लॉग ही नहीं बनाया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, भाई से ही मोबाइल लेना पड़ेगा, एक उसके पास दो है ना, तो अब भाई का ही मोबाइल लूँगी भाई से ही मोबाइल लूँगी और फिर कुछ करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो भी ठंडी हवा में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं। चलो जी, यही तो बोलिए, रास्ते देखो, यहाँ तो कचरा फेंका हुआ है लोगों ने। गाइस हम लोग इसमें अभी बैठने वाले और तैयार, और हमें जाना है यहाँ पर, जाना है हम लोगों को। ये नज़र आ रहे हैं ना हार्ट, यहाँ पर जाना है। और जब बैठेंगे ना तो फिर मैं वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम लोग कहाँ पहुँचे। अभी ये देखें इतना ज़्यादा रश हो रहा है। आई मम दर्शन, इतना सारा रश है। अभी हम लोग जा रहे हैं वेटिंग एरिया में। अभी 126 नंबर और यहाँ पर चल रहा है 86, तो अभी कितना ज़्यादा नंबर रहता है ना, ओह माय गॉड। चलें टाइम से, इंशाल्लाह हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए सामने भी रश देख रहे हैं ना आपने। चलें अभी बाद में वीडियो बनाती हूँ, बच्चों को बिठा दूँ। गाइस ये देखिए सारे वेटिंग पर बैठे हुए हैं और लोग तो स्पीकर भी लेके जा रहे हैं। और हमारा सामान देखें, हम तो इतना सा सामान लेके जा रहे हैं बस, और तो कुछ भी नहीं। वहाँ पर देखें बच्चे आए हैं, वॉशरूम आ गए बच्चे, वॉशरूम से आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, और सारे यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा नंबर आने वाला है। और क्या बताऊँ, बस बताने को कुछ नहीं। अभी वहाँ जाकर फिर व्लॉग बनाएंगे रास्ते में इंशाल्लाह, अगर डर नहीं लगा तो, और डर लगा तो फिर व्लॉग नहीं बनाऊँगी। ओड़ंग खेल पता नहीं, इतने मुश्किल नाम है भाई, मुझे तो आता भी नहीं। अड़ंग के लेके अड़ंग अड़ंग डड़ंग डड़ंग जो भी है, बस हम वहाँ जा रहे हैं। जब जाएंगे तो आप लोग भी देख लेना। मोहम्मद अरशान, देखे अरशान कहाँ पे जा रहे हैं। गाइस जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा खाना ले लें बच्चों के लिए, बर्गर ले रहे हैं और ये लो, नहीं चार है मेरे, लाओ पैसे दो, बर्गर ले ली। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग लाइन, और ये हुजूम जो लगा हुआ है, इतना सारा रश, ये सारे लाइन में, इनको अभी लेना है टोकन। और टोकन लेने के भी 2-2.5 घंटे बाद नंबर आता है। जब हमने टोकन लिया था उस वक्त नंबर था 85 और हमारा था 126, और अभी 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा नंबर आया है। अभी 122 हो गया है, तो हमारा आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे नंबर आने से पहले, ये सारे वेटिंग पे खड़े हुए हैं, हमारा टोकन है, बस हम जल्दी से भागते हैं। अपना बर्गर हमारे रेडी हो गए, अब जल्दी से लेके और फटाफट निकल रहे हैं हम लोग, और ये खाएंगे हम वहाँ पहुँच कर। ठीक है, इसमें जाने वाले हम लोग, और बहुत ज़्यादा डर लग रहेगा, मुझे तो डर लग रहा है। और यकीन माने डर की वजह से ना मेरे पेट में वॉशिंग मशीन चल रही है, बहुत बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा, डर की वजह से ना हाथ पैर भी कांप रहे हैं मेरे तो। ये देखें मेरे हाथ में सामान ही बना दिखे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है। अल्लाह खैर, ये जा रही है, बाय बाय। इनका तो रोज का काम है आना जाना, ये लोग तो रहते ही हैं, ये गए, फिर हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह। अज़्ज़वजल, बाय बाय, अब हमारी बारी आएगी, अब ये वापस आएगी तो हमारी बारी आएगी। ये आ गए, ये आ गई ट्राली, ओ ट्राली कह रही हूँ मैं, क्या है ये, चलो भाई चलो। अच्छा ए मुझे उधर कोने पे बिठाओ ताकि मैं वीडियो तो बनाऊँ, बच्चों वहाँ नहीं जाना। बिस्मिल्लाह, मैं पढ़ो बच्चों, जोर से पढ़ो,
ज़्यादा भूखा रहा मुझे। ये फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे और अब यहाँ से उतरेंगे। चलो जी, चलो जी अब हम जाएंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। वो देखें पैदल 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 पूरे जंगल में हमें पैदल ही जाना है, तो बस रेडी रहें पैदल चलने के लिए। गाइस हम लोग नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को चढ़ते हुए देख सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है चलना। वो देखें हमारे साथी घर वाले ऊपर जा रहे हैं और सबका ही यही हाल है, बहुत बुरा हाल है बहुत। इसीलिए मैंने स्टार्ट से व्लॉग तो बनाया ही नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ना। सांस 2 किलो वेट मेरा ऐसे चुटकियों में होगा ख़त्म। ओ माय गॉड, ये देखें आगे दे रहे सब रुके हुए सांस ले रहे, वो देखें वो लोग भी सांस ले रहे सब। व्लॉग बनाऊंगी मैं ऊपर एंड पे पहुँच कर, बाकी अभी कुछ भी नहीं हो सकता। रास्ता देखें, ये देखने में सीधा लग रहा है पर देखें मेरे सिस्टर तो स्टिक लेके चल रही है। ये देखें जी सांस का बुरा हाल हुआ है। ओह वो देखें लोग बैठे हुए ना वो कर रहे हैं वेट, वो लोग जो हमारे हमारे सीट हाँ। हमारे सीट के बराबर में बैठे हुए थे वो जा रहे हैं ऊपर। ये देखें वो लोग रुके हुए सांस ले रहे और ये हमारे हम लोग पहुंच गए। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, हम इतने टॉप पर आ गए। अली कितना किलोमीटर चला है पता नहीं, पता फिर तो 45 क्या बोला था वो 45 मिनट 45 मिनट की वॉक की है हमने और वॉक करने भी सीधी नहीं इस तरह ढलान में, और अब फाइनली पहुंच गए हम लोग और जा रहे हैं ऊपर। खूब सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है और अब जा रहे हैं हम लोग। ये हमारे मेरा बेटा माशाल्लाह चल रहा है पैदल, ये आ गया। फाइनली पहुंच गए हम लोग ऊपर और अभी बस बैठेंगे पानी वानी पियेंगे। ओ माय गॉड केल पता नहीं क्या नाम है, नाम भी भूल गई मैं तो। ये देखे लोग आ रहे हैं यहीं से ही हम आए चढ़ के। झूले बोलने के झूले नहीं है, झूले हैं उस साइड पर है पार्क बना है बस अभी बैठते हैं वहाँ ऊपर, वहाँ पर सारी बर्फ है पीछे की साइड पे ना, थोड़ा सांस लेके ना फिर घूमेंगे। आ जाओ यहाँ आ जाए, चलो जी। गाइस फाइनली सांस बहाल हो गई है और अब हम जा रहे हैं पीछे के साइड पर जहाँ पर पार्क बना हुआ है और खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के लोग किस तरीके से कैसे ये लोग वहाँ तक आते जाते होंगे आई डोंट नो। कैंपिंग भी है यहाँ पर और सब कुछ ही है। ये देखें नज़ारे चल रहे मज़े से, देख बर्फ़ जम चुकी है, बहन ही रही मम्मा बहती भी रुक गई। गाइस ये देखें यहाँ पर ये खेती बाड़ी कर रही हैं लेडीज खुद ही, ये देख रहे हैं करीब जाके वीडियो नहीं बना सकती ना अच्छी बात नहीं है। ये सारे देखें छोटे छोटे से फसल लगाई हुई, खेत लगाए हुए, क्या है ये सब कुछ लगाई हुई। ये देखें यहाँ पे इनकी मेहनत चल रही है, खेती बाड़ी चल रही है। ये क्या चीज लगाई, ये क्या लगाया है, मकई है नहीं अच्छा इसमें पिक्चर अच्छी। ये देखें इतना खराब सा रास्ता हो रहा है, देख के उतरना, देख के बेटा देख के उतरना बस। ये देखें वाओ खूबसूरत जन्नत है, जन्नत या अल्लाह पाक क्या जन्नत है। चलें चरा अंशु
यहाँ पर स्टिक्स यूज हो रही हैं और चलते हैं। चले चले नीचे, क्या इनकी नाली बनी हुई है, कोई नाली बोली हूँ, इन्होंने अपने पौधों को पानी देने के लिए बनाया हुआ। ये सबके ना मम्मा खेती बाड़ी हुई हुई है ये उधर पीछे। अब अभी वो जो कर रही थी वो मकई लगाई उन्होंने। जब बर्फ उठा उठा के लेके आ रहे हैं, नीचे भी देख लें, फेंक दो बेटे, बड़े फेंको, हाथ सुनोगे, बच्चों ने भी स्टिक ये पहनी, फेंक दें। टूट चुका गाइस, मेरी अशलीना का ग्लासेस चश्मा टस्मा टूट चुका। चले आए बाबा, जोड़ देंगे इसकी स्टिक, पिन लगानी होती कील। अरशान देख देख के आना, वो देखा हमारे अरशान साहब को, तो बर्फ की कुटाई शुरू कर दी उन्होंने। आ जाए, इतना मुश्किल रास्ता इतने आराम से चढ़ गए और अब नहीं आ रहे अरशान। मम्मा और बहुत सारी बर्फ में जा रही है। ये लिखा हुआ है आई लव अरंकेल, अरंग अरंक पता नहीं क्या है, जो भी है। बहरहाल मोबाइल की चार्जिंग तो है पर क्या स्पेस ख़त्म हो रहा है इसके अंदर स्टोरेज। अब भाई का मोबाइल यूज़ करूँगी, फिर उससे व्लॉग बनाऊँगी। आधे व्लॉग मेरे वापसी जाने के सारे व्लॉग भाई के मोबाइल से बनेंगे। अरशान जल्दी से आ जाए बेटा, हमें जल्दी जल्दी निकलना है, भागना है। सही है, ठीक है, अब इसको नहीं तोड़ना बेटा, ये और नहीं लाई मैं। अच्छा लीना ने रेड वाले तोड़ दिए, नहीं मेरा, मेरे पास है, नहीं ऐसा आपका भी मेरा जैसा है। वो देखें कितना दूर पहुंच गए और बच्चों की वजह से ना मैं यहीं पे ही फंसी हुई हूँ अभी तक। चलो जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ पहुँच के, क्योंकि चलते हुए तो भाई व्लॉग बना नहीं सकती। पहली बात कि व्लॉग हिलता बहुत है और दूसरा सांस फूलती है। फ्लावर चेक कर लें, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अरशान मजा आ रहा है, बम कितना मजा आ रहा है ये तो बता दें। देखिए मम्मा हमारी वहाँ सामने बैठ गई हैं और आप नजारा देखें, हसीन नजारा। ये सारी बर्फ है, वाइट वाइट जितनी भी ये वाइट है ना, ये बर्फ है, हमारे बहुत करीब है। बस अभी इतना थक गए ना, अभी जाने की ना हिम्मत हो नहीं रही, हवा में चल रही है वो, देखो तो उल्टी। ये देखे नजारे, मैं अभी इतना थक गई हूँ ना, उठने का दिल नहीं चाह रहा, वरना तो मैं इतना देखे। ये देखे वो मम्मा को देखने दो, मम्मा स्पाइडर हवा में उड़ रही है। दरख्त से गिरी है, ये तो हवा में कैसे चल रही है, जाल है ना। चलो अगर मैं दूर, ये पकड़ ली।